इस बात से जरूर डरो, कभी तबीयत खराब हो जाए नहीं आ सके दरबार में, अमृत वेला संभालना है। टाइम ये गुरु को दे दिया है बस, गुरु नानक का ये समय। उठ के बैठ जाओ, तबीयत खराब भी है तो टेक लगा के बैठ जाओ गुरु को अरदास करके। पाछा आज मुझसे स्नान नहीं हो पा रहा, वैसे तो कर लेना चाहिए पर नहीं हो पा रहा, अरदास करके बैठ जाओ। महापुरुषों के बचन है, आप अपना समय गुरु को दे दो, बैठे हुए नींद भी आ जाए झोंक भी आ जाए वो भी नित्यनेम में प्रवान हो जाती है क्योंकि बैठा है। लेट मत जाओ, बैठ जाओ, चाहे बैठे बैठे नींद आ गई प्रवान है कि बैठा तो है उठ के। वो एब्सेंट में नहीं लिखा जाएगा, वो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। इस बात को समझो, एब्सेंट मत होने दो अगर अवस्थाएं चाहिए, झूठ का साथ मत दे। बाबा नंद सिंह जी तो यहाँ तक कहते थे, समझो दो निंदक बैठे हैं, दो निंदा कर रहे हैं लोग किसी की, एक किसी संत महापुरुष की या किसी सच्चे आदमी की निंदा कर रहे हैं। अगर तूने उसमें हाँ भी मिला दिया ना, हम मिला देते हैं, बड़ा आदमी इसके सामने कौन बुरा बनेगा, हाँ में तो हाँ मिला दो क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, कहते थे अगर तूने हाँ में हाँ भी मिला दिया ना तो उसमें भागीदार हो गया, निकल जा वहां से। झूठ का साथ मत दे, हुंगारा भी मत भर, इसे हुंगारा कहते हूँ, नहीं चुप, या तो रोक दो कि भाई मत करो निंदा, हिम्मत नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाओ, पर हामी मत भर देना उसमें। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ अमृत वेला है वहां पे कर्म नहीं है। अगर ये ज्ञान समझ में आ गया काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। महापुरुषों के वचन है, दास तो सिर्फ सुना रहा। अमृत वेले उठते हो, नित्यनेम संभालते हो, गुरु को मानते हो, गुरु के आगे सर झुकाते हो, इतनी काम भी कर लेते हो, सिर्फ इतना के अमृत वेले उठते हो नित्यनेम संभालते हो, तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है फिर वो हो नहीं रहा, वो गुरु नानक कर रहा है। कर्म नहीं झेलने पड़ते अपने, ये समझ लो, वो बढ़िया ही होगा। आज हमें समझ में ना आ रहा हो शायद, जो हम मांग रहे हो वो ना मिल रहा हो, पर गुरु उससे बड़ा देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, और अगर अमृत वेला नहीं संभालते, नाम नहीं जपते, तो फिर जो कुछ हो रहा है समझो अपने कर्मों का झेल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ अमृत वेला है वहाँ पे कर्म नहीं है, और जहाँ कर्म है वहाँ पे गुरु की बख्शीश नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे दो बातें याद रखो, एक बात जब सत्संग के लिए कुछ खर्च करना पड़े, समझो हरिमंदिर से अब जाने का मन है तो खर्च करने हिसाब किताब लगा रहे, तो तब ये सोच लो कि जब जाएंगे कोई तो जायदाद छोड़ के जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो किसी के पास करोड़ है, किसी के पास दो करोड़ है, समझना एक लाख कम छोड़ के गए। और जब समय निकालना हो तो समय तो है ही हमारे पास लिमिटेड, जितना हो सके यहाँ पे खर्च कर लो, वही ही सफल है, बाकी सारा व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।